हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा प्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं HTML टैग को लेके कॉन्सेप्ट्स की। और अभी तक हमने कई अलग अलग टैग्स की बात की। हम लोगों ने बात की बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टैग को लेके, हम लोगों ने बात की इमेज टैग को लेके, लिस्टिंग टैग को लेके, लेकिन आज हम देखते हैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टैग, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपर रेफरेंस टैग। कि किस तरीके से एक्चुअली हम मल्टीपल इमेजेस को हाइपर इमेज बना सकते हैं या टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक्चुअली जिस टेक्नोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये हाइपर इमेज क्या होती है, तो चलिए बात करते हैं हाइपर के कॉन्सेप्ट को लेके, कि किस तरीके से हम मल्टीपल पेजेस को लिंक कर सकते हैं यूजिंग हाइपर टेक्स्ट, ओके, या इमेजेस को लिंक कर सकते हैं, या मेल के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सारी बातें करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो यहां पर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं विद द टेस्ट हाइपर डॉट HTML। ठीक है, और यहां पर हमने हमारे बेसिक टैग्स को यूज किया, लाइक HTML/HTML। ओके, देन विल टॉक अबाउट हेड टैग। ठीक है, और हेड में हमने टाइटल टैग को यूज कर लिया, दिस इज टाइटल एंड /टाइटल। और यहां पर हमने बता दिया हाइपर एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए इन HTML वी हैव अ टैग कॉल्ड एंकर टैग, है ना। बेसिकली ये एंकर टैग का कॉन्सेप्ट है, आप समझना, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेता हूं, सेंटर और /सेंटर। ठीक है, सो देयर इज अ टैग इन HTML कॉल्ड एंकर टैग। ठीक है, ए, इस ए टैग को बेसिकली हम यूज करते हैं हाइपर रेफरेंस के लिए। तो इसका एक एट्रीब्यूट भी होता है, दिस इज कॉल्ड HREF, ए HREF, राइट। तो अब इस HREF में आप देखिए, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं क्लिक हियर, समझना ध्यान से, क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पेज, क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पेज, ये मैंने दे दिया क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पेज। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस हाइपर रेफरेंस, राइट। हम एक एक करके अभी इसके पैरामीटर देखते हैं। यहां पर देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड टारगेट, ठीक है, देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड कलर, कि आपको कलर क्या रखना है। ठीक है, सो आप देखिए इस हाइपर रेफरेंस को पहले समझने की कोशिश करिए कि एक नॉर्मल टेक्स्ट में और एक हाइपर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, अगर मान लो मैं अभी यहां पर यही टेक्स्ट में यहां पर लिखता हूं ना, लेट्स सी, अगर मैं इस तरीके से इसको लिखता हूं, क्लिक किया, मान लो मैंने इसको बोल्ड में भी लिख दिया, ठीक है, या चलो H1 टैग में लिख दिया, H3 के साथ अगर मैंने इसको लिख दिया /H3, राइट। तो आप देखिए डिफरेंस आप दोनों में समझना, BR, हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं, आप इस टेक्स्ट पे जब कर्सर लेके जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां आप देखिए जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, ये टेक्स्ट कुछ डिफरेंट स्टाइल में चेंज हो रहा है ना, यू विल फाइंड द फिंगर इन इट, राइट, पूरा पाम दिख रहा है आपको, फिंगर दिख रही है, राइट। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, इट ओपन सम अनदर पेज, ओके। तो ये जो टेक्स्ट होते हैं इनको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट आर बेसिकली कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। तो अब यहां पर आप देखो कि अगर आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करने पर अगला पेज ओपन करना है, और आप देखिए मेजरली आप ये समझना कि यहां पर आपको अभी केवल टैग के बारे में हम बात कर रहे हैं, आगे जब हम CSS पढ़ेंगे तो इन टैग्स को किस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में अरेंज करना है, कलरफुल किस तरीके से बनाना है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट राइट नाउ मेजरली फोकस्ड ऑन द टैग, कि टैग किस तरीके से कहां यूज में आएगा, राइट। तो यहां पर मुझे क्या करना है, इसके क्लिक करने पर सपोज मुझे कोई पेज ओपन करना है, तो आप देखिए ये कोई लाइव पेज भी हो सकता है। जैसे मैंने अगर यहां पर लिख दिया www.google.com, ठीक है, कि मैंने बोला क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पेज, पर इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ओके, सी दिस वन, अच्छा गूगल, ओके, एक्चुअली यहां पर हमें उसका पूरा HTTP के साथ डिफाइन करना पड़ेगा, तो ओके लिखिए, मैं यहां पर गूगल की वेबसाइट ओपन करता हूं एंड सी दिस वन। तो यहां पर अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पूरा पेज ओपन हो, सो दैट शुड बी विद द कंप्लीट एड्रेस। तो अब अगर मैंने ये लिखा है, ओके, एंड सी दिस वन, मैंने क्लिक, इट ओपन द गूगल पेज, या फिर अगर मान लो मैंने यहाँ पे डेटा फ्लेयर की वेबसाइट ओपन की है ना, दिस इज अ डेटा फ्लेयर वेबसाइट, तो ये मैंने लिख दिया, ओके, डेटा फ्लेयर ट्रेनिंग ब्लॉक्स, तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, इट विल डायरेक्टली ओपन दिस पेज। आप देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ओपन क्लिक कर देता हूँ, सो व्हेन आई रन दिस पेज एंड आई क्लिक हियर, लेकिन
यदि सपोज मैंने आपसे बोला कि सर मुझे एक्चुअली अपनी ही, मान लो आप अपनी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि हाइपर रेफरेंस पे आपको अपना कोई पेज ओपन करना है, मतलब मान लो ये मेरे मल्टीपल पेजेस हैं, तो मैंने बोला ये मुझे इमेज वाला पेज ओपन करना है, राइट। तो यहां पर आपने लिख दिया क्लिक, या मान लो मैंने बोल दिया इमेज गैलरी, ठीक है, ये मैंने मैसेज दे दिया इमेज गैलरी, राइट, समझ में आ रहा है, या इमेज फोटो, आपने कोई भी दे दिया, फोटो गैलरी या इमेज डिस्प्ले इमेज, व्हाटएवर, ओके, आपने लिख दिया क्लिक हियर फॉर डिस्प्ले इमेजेस, राइट। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे अपना लोकल पेज ओपन करना है, मतलब इट इज नॉट अ लाइव वेबसाइट, ये मेरा अपना लोकल पेज है, दिस वन टेस्ट इमेज डॉट html, तो यहां पर हाइपर रेफरेंस पर हमने क्या लिख दिया, टेस्ट इमेज डॉट html। तो दो तरीके से हम एक्चुअली टेक्स्ट को, मतलब वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, या तो वो आपका पेज, आपका लोकल अपनी ही वेबसाइट का पेज होगा, राइट, आपकी अपनी वेबसाइट है उसका लोकल पेज है, और यू कैन गो विद द लाइव पेज। तो लाइव पेज पे अगर आप जा रहे हैं देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंप्लीट एड्रेस, राइट, लेकिन लोकल के लिए आपको केवल अपने पेज का नाम लिखना है, इफ इट इज इन द सेम फोल्डर, राइट। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस, आप बनाई ओपन दिस और मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक हियर फॉर डिस्प्ले इमेज, ये मेरे पेज ओपन हो गया, सो बिकॉज दिस इज माई लोकल पेज, ये मेरी अपने सिस्टम का लोकल पेज है, राइट। और यहां पर आप देखिए, ये मैंने एक इसको भी इमेज, मतलब अभी मैं इन सब में देखो, आप मैं कर्सर अगर लेके जा रहा हूं तो पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा है, बट डॉग वाली इमेज पे आप देखो ये, तो अभी मैं ये भी आपको बताता हूं कि एक इमेज को हाइपर इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, हाउ टू कन्वर्ट इन इमेज इनटू हाइपर इमेज। तो टेक्स्ट हाइपर हो सकता है, इमेज हाइपर हो सकती है, और अभी तो इसमें बहुत से और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको यूज करके डाउनलोडिंग एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट, लेट्स सी, मैं बताता हूं आपको अभी। तो ये आई होप पहले आपको समझ में, आप इसमें एक और ऑप्शन आप देखिए, चाहे वो आप लाइव वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं या आप अपने लोकल पेज के लिए यूज कर रहे हैं, इस हाइपर रेफरेंस एंकर टैग को जब हम यूज करते हैं, सो दिस एंकर टैग इज हैविंग वन एट्रीब्यूट, टारगेट कि आपको अपना पेज कहां ओपन करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो टारगेट होता है वो सेल्फ होता है, सेल्फ मतलब अब देखिए, अगर मैंने सेल्फ लिखा तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, मतलब आपके एप्लीकेशन क्या करेगी, इट विल ओपन इट इन द सेम पेज, ये देखिए आप करंट पेज पे ही इसने ओपन कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू ओपन दिस पेज इन सम न्यू टैब, आपको नए टैब में इसको ओपन करना है, तो टारगेट में जाके जस्ट गो टू दिस ब्लैंक, अगर मैंने लिख दिया टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, सो दैट व्हेन आई क्लिक इट विल ओपन द पेज इन न्यू टैब, ये नए टैब में पेज को ओपन करेगा, सी दिस वन यू, ठीक है, ये देखा, इट विल ओपन, हमेशा नया टैग क्रिएट करेगा, राइट। तो ये टारगेट आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अलग ही तीसरे टारगेट का यूज आपको तब समझ में आएगा जब हम फ्रेम पे इसको लेके बात करेंगे। तीसरा टारगेट होता है दैट इज कॉल्ड पेरेंट फ्रेम, राइट, कि यदि आप अपने पेज को मल्टीपल फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं, राइट, और अगर आपको लगता है कि आपको वन इज कॉल्ड पेरेंट एंड वन इज कॉल्ड चाइल्ड फ्रेम, ओके, तो वहां पर आपको पेरेंट विंडो में अगर ओपन करना है देन वी विल गो फॉर पेरेंट में। इसके ऑप्शन आपको उस समय बताता हूं जब हम अपने पेज को मल्टीपल फ्रेम या विंडोज में डिवाइड करेंगे। अभी आप इसको अगर देखेंगे टारगेट इक्वल टू पेरेंट, तो आपके अभी करंट विंडो ही आपके पेरेंट विंडो है, ये सेम पेज पे ओपन कर देगा, तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इन दैट, राइट। ये देखिए आप इसने क्या किया, अच्छा ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैंने अच्छा पेरेंट में इट इज अगेन गो टू द टैब पेज, राइट, लेकिन एक्चुअली जो पेरेंट का यूज है वो क्या है, अगर आपके मल्टीपल विंडोज है, इफ योर एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल विंडोज, तो उसमें पेरेंट विंडो होती है, चाइल्ड विंडो होती है, सो दैट यू विल गो फॉर दिस टारगेट। तो ये टारगेट का ऑप्शन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं, राइट, एंड देयर आर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ हियर, ठीक है। यहां पर आप देखिए, चलिए मैं इसको CSS के साथ अपन और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी हम देखते हैं कि अब मैं ये तो अभी हमने देखा कि बहुत रियल जो आपके लाइव पेजेस हैं हम उनको हाइपर रेफरेंस के साथ अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, या मैं अपने लोकल पेज को भी यूज कर सकता हूं जो मेरी अपनी वेबसाइट का अपना पेज है। लेकिन इसके अलावा आप एक चीज और देखिए, सपोज मैं देखता हूं मेरे सिस्टम पे अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव या एफ ड्राइव, ओके, दिस इज व्हाट द फाइल वी हैव, मैं आपको एक्चुअली एक सपोज दिस वन JS नोट, राइट। अब ये मान लो मैंने कॉपी किया और इसको अपने करंट फोल्डर में पेस्ट कर दिया, करंट फोल्डर मतलब मेरा MyHTML, ठीक है, ये मेरा अपना करंट फोल्डर है, मान लो मैंने इसको करंट फोल्डर में पेस्ट कर दिया MyHTML, तो ये MyHTML वाला जो पेज है हमारा,
ये कहाँ है इसके मैं लोकेशन देख लेता हूँ, इट इज इन डी ड्राइव। ओके, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो है वो करंट इसमें आ जाए, जेएस नोट्स या चलो मैं एक एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि मान लो अगर आपकी कोई वर्ड की फाइल है ना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किसी की भी अगर आपकी फाइल है, मान लो ये वर्ड की फाइल है एंड दिस फाइल, ओके आई डोंट हैव एमएस ऑफिस राइट नाउ, ओके नॉट एन इशू। तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि एमएस ऑफिस को मैं इंस्टॉल करूंगा एंड देन आफ्टर आई विल गो विद दैट। लेकिन आप देखो, सपोज अगर आपके पास कोई फाइल है और अगर आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, हाइपर रेफरेंस के साथ, ओके, जैसे मैं आपको अभी यही फाइल बता देता हूं जो मैंने अभी की है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं डी ड्राइव में माय एचटीएमएल और यहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, jsnode.rtf, ओके, इसको रीनेम करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एंड लेट्स सी एक बार इसको चेक करते हैं। मतलब मुझे एक डाउनलोडिंग एप्लीकेशन बनानी है। सपोज मैंने यहां पर बोला कि बॉस क्लिक हियर, समझना ध्यान से, मैंने ये बोला br, दिस इज br एंकर हाइपर रेफरेंस, ठीक है, और ये स्लैश है। मतलब आप देखिए आप किन किन को हाइपर रेफरेंस के साथ यूज कर सकते हैं। लाइव वेबसाइट अभी हमने देखा, सेकंड लोकल पेज, थर्ड आप देखो, मैंने यहां पर अगर लिख दिया क्लिक हियर फॉर जावास्क्रिप्ट नोट्स, ओके, और अब यहां पर आप क्या चाहते हैं कि जब ये क्लिक करें तो ये जो फाइल है आपकी, फाइल देखिए यहां आ गई होगी jsnotes.rtf, मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो क्या होगा इससे, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस पेज इट विल डाउनलोड दिस और इट विल ओपन दिस js notes, राइट, लेट्स सी, ये देखिए आप, ये देखिए ये डाउनलोड हो गई आपकी फाइल, नीचे देखिए आप, ये डाउनलोड हो गई, ये देखिए आप, ये आपके डाउनलोड में आ गई। तो ऐसे आप कोई भी एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, पावर पॉइंट की फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे ही मैंने आपसे बोला कि ये मेरी डी ड्राइव या सपोज एफ ड्राइव में, ये देखिए आप, विवेक डेटा, दिस इज डेटा फ्लेयर, ये मान लो HTML CSS .pptm फाइल है, ये मेरी फाइल है, ओके, इसको कट नहीं करना है, पेस्ट कर देता हूँ मैं वापस से, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको डी ड्राइव में अपने फोल्डर में रख दिया माई HTML, जिसमें मेरे अभी करेंट सारे पेजेस हैं HTML.css, ओके, और मैं इसको रीनेम कर लेता हूं, मतलब इसका पाथ नाम कॉपी कर लेता हूं। और यहां पर अगर मैंने इसकी बजाय ये लिख दिया html.css.ppm क्लिक हियर फॉर html css या जो भी आप मैसेज देंगे html css नोट, ठीक है, एंड लेट्स सी व्हेन आई ओपन इट, ये देखिए आप, ये डाउनलोड हो गई आपकी फाइल। तो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो यूज, मतलब आप हाइपर रेफरेंस को इस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई फाइल डाउनलोडिंग करना है देन यू विल गो फॉर दिस हाइपर रेफरेंस कॉन्सेप्ट। तीसरा देखो आप कि हाइपर रेफरेंस को यूज करके वी कैन आल्सो गो फॉर इमेजेस, मतलब मैं इमेजेस को भी हाइपर इमेज बना सकता हूं। जैसे सपोज यहां पर मैंने एक टैग यूज किया img src इक्वल टू, मान लो कोई इमेज हम ले लेते हैं dog.jpg, इसकी विड्थ हाइट हम थोड़ी छोटी कर देते हैं, मतलब एक्चुअली इमेज की साइज आप देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये देखिए आप, ये तो मैं चाहता हूं ये थोड़ी छोटी इमेज हो जाए, तो यहां पर हमने इसको विड्थ कर दी सपोज 100 pixels, तो फिर देख लेते हैं 100 pixels में इमेज की साइज क्या हो रही है, और हाइट हमने कर दी सपोज इसकी 100 pixels, ओके, लेट्स सी, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है मैं इसको भी हाइपर इमेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ताकि इस पर क्लिक करने पर कोई मैं नया पेज ओपन कर सकूं, राइट, तो यहां पर आप देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर मैंने इस एंकर टैग को इस इमेज में, मतलब इमेज को मैंने एंकर टैग में ले लिया, दिस वन ए स्लैश है, अगर आप ए और स्लैश ए के बीच में, देखिए आप कॉन्सेप्ट समझो, अगर आप ए और स्लैश ए के बीच में टेक्स्ट लिख रहे हैं सो दिस इज एन हाइपर टेक्स्ट, तो अगर आप ए और स्लैश ए के बीच में यदि आप इमेज को ले लोगे सो दैट विल बी द हाइपर इमेज, लेकिन ये ओपन किसको करेगा यहाँ पे, तो ए में आपने बता दिया href इक्वल टू, कोई भी पेज ले लेता हूँ, मान लो मैंने बोल दिया testimage.html, इसे ओपन कर दो, ठीक है, तो जैसे ही मैं अपनी इमेज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, लेट्स सी, और टारगेट हमने बोल दिया टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब नया पेज ओपन हो, राइट, सो लेट्स सी, अब देखिए जैसे ही मैं, ये देखो आपको दिख रहा है, जैसे ही मैं इमेज पे कर्सर लेके जा रहा हूं, दिस इमेज
मतलब ये कर्सर चेंज हो रहा है, मतलब नाउ दिस इमेज इज एन हाइपर इमेज। तो अगर मैंने क्लिक किया, इट ओपन द न्यू पेज। सो इन दिस वे वी कैन गो विद द हाइपर टेक्स्ट। कि आपको अगर हाइपर रेफरेंस को यूज करना है, आपको इमेजेस को हाइपर इमेज बनाना है, या आपको टेक्स्ट को हाइपर इमेज बनाना है, इवन दो आप यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर डाउनलोडिंग, आप इसको डाउनलोडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कि आप डाउनलोड किस तरीके से करेंगे यूजिंग हाइपर रेफरेंस कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और इसका टारगेट वाला ऑप्शन कि किस तरीके से आप इसमें टारगेट चेंज करेंगे, ओके, कि हाइपर रेफरेंस का टारगेट हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली यूज दिस हाइपर रेफरेंस। एंड सी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर, लेकिन अभी हम इसकी मेजर जिन प्रॉपर्टी को बात करें, अभी हमने एक प्रॉपर्टी इसकी मेजर देखी है, वन इज हाइपर रेफरेंस प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज सॉरी टारगेट प्रॉपर्टी, राइट। कि हमने टारगेट की बात की, हमने हाइपर रेफरेंस की बात की, एंड दिस इज ऑल द इवेंट्स ऑफ दिस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम दो पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं यूजिंग एंकर टैग, और किस तरीके से इमेज को हाइपर इमेज बनाया जा सकता है, टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाया जा सकता है, डाउनलोडिंग किस तरीके से करना है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आया है तो बने रहना इस कोर्स में, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और HTML टैग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।